बावलोग, इट इज माइंड ब्लोइंग। आखिर ऐसे कौन राइटिंग करता है बावा, एंड स्क्रीन प्ले उससे भी भयंकर। एक मरे हुए इंसान को दूसरे जिंदा इंसान से कैसे खिलवा सकते हो भाई, सोच भी कैसे सकते हो। कितने टाइम बाद ऐसी सॉलिड स्क्रीन प्ले देखी है जो ऑडियंस में डर का माहौल बना रही है, उन्हें नर्वस कर रही है, और क्या सॉलिड पॉइंट पर स्टोरी को खड़ा कर दिया है। बाबा, एक एक कैरेक्टर डर से तो कांप ही रहा है, साथ में ऑडियंस भी कांप रही होगी, क्योंकि मैं तो कांपा हूं भाई। और वो डर पूरा फील कराया है मेकर ने। फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 4 ड्रॉप आउट हो चुका है, चलो बात कर लेते हैं। मेरी तो रूह कांप गई भाई इस एपिसोड को देखकर। जो इमेजिन नहीं होता उसे मेकर ने करके दिखाया है। एपिसोड 3 जहां छूटा था वहीं से कहानी शुरू होती है, जहां टैबिथा एंड पुलिस एम्बुलेंस टाउन के एंट्रेंस पर खड़े हैं, एंड वो लोग टाउन पर एंट्री भी ले लेते हैं। लेकिन अभी हो चुकी है रात, जो टैबिथा बार बार वॉर्न भी करती है ऑफिसर्स को कि प्लीज बाहर नहीं निकलना है, मत जाना, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे दो ऑफिसर्स अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन एक मिस्ट्री जो अभी रियल होती जा रही है, जो थॉमस जिम का बेटा बन के बार बार फोन कर रहा है, वो ईधन को बताता है उनकी मॉम यानी टैबिथा एम्बुलेंस पर है, और वो कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी अराइव कर जाती है टाउन पर। तो ये एक हेल्पिंग कॉल हो सकती है आगे फ्यूचर सेफ के लिए, क्योंकि टाउन में अब प्रॉब्लम दोगुनी बढ़ चुकी है, जहां ये कॉल बॉय राहत का काम कर सकता है, जो मेकर की एक फाइन चॉइस है। इसी बीच जिम, बॉयड एंड रैंडल एम्बुलेंस के पास जाते हैं, और यहाँ टैबिथा एंड जिम का रीयूनियन होता है। बेस्ट मोमेंट था। हालांकि बॉयड एंड जिम टैबिथा एंड विक्टर के बाप को बचा के ले आते हैं, लेकिन यहाँ रैंडल को खोना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि यहाँ क्रिएचर के पास मौका था सभी को मारने का, लेकिन वो तड़पा रहे हैं बॉयड को, मानो कोई बदला सा ले रहे हो, क्योंकि बॉयड ही है जो सभी को बचाना चाह रहा है, नए नए रास्ते निकालता है, कैसे बाहर निकलना है कैसे नहीं, हर एक चीज का ब्रेक डाउन करता है पूरी जानकारी लेकर। और क्रिएचर को उसे बॉयड को तोड़ने में मजा भी आ रहा है, जहां नर्स क्रिएचर उससे कहती भी है कि हम सिर्फ यहाँ रैंडल के लिए आए हैं, बाकी तुम लोग जा सकते हो, हम सिर्फ उसे ही मारेंगे। लेकिन बाबा, कुछ तो बड़ा सेट हो रहा है यहाँ आगे शो के लिए, क्योंकि पहले बॉयड के सामने टियान चैन को मारा गया, अब रैंडल को, आगे किसको मारने वाले हैं, मे बी डोना हो सकती है, क्योंकि डोना इतनी डर चुकी है, वो टूट चुकी है बुरी तरीके से, जो बॉयड से लिपटकर रो भी रही है। लेकिन इसी बीच जो लेडी पुलिस है वो अपने बचाव के लिए अंधाधुंध फायर करती है, जिसमें से एक गोली अंदर निकी को लग जाती है और वो मर भी जाती है। एंड यहाँ फुल सेट का माहौल चल रहा है, एंड निकी की बॉडी को एक अंदर एक रूम पर रख दिया जाता है, जहाँ फातिमा उसके पास छोड़ दी गई थी। और यहाँ मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि फातिमा जस्ट थोड़ी देर पहले मरी निकी के जख्मों से निकल रहे खून को चाट रही थी। वो उस जख्म में उंगलियां घुसा के ब्लडी सॉस, ब्लड वाला सॉस निकाल के खा रही है। व्हाट द फक मैन, ऐसे कौन कौन दिखाता है बाबा। विक्टर का बाप भी टाउन में आ चुका है, टैबिथा भी आ चुकी है, एंड हियर आई एम एक्साइटेड। टैबिथा जब अपने बच्चों से मिलेगी तब कितना प्यारा मोमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी जूली और ईधन को मालूम नहीं है कि टैबिथा एंट्री ले चुकी है, वो अपने घर में अकेले हैं। दूसरी तरफ विक्टर सैरा को वो सब दिखा रहा है, जब उसने फर्स्ट टाइम सभी मरे हुए लोगों से वो स्टफ लेकर संभाल के रखा था, और विक्टर यहाँ क्रिंजली एक्ट भी करता है। लेकिन बाबा, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एपिसोड काफी बिल्डअप भी देकर गया, जहाँ हेनरी को एक कॉप्स दिख रहा है बार बार, इविल कॉप्स, और वो उसे हेल्प मांग रही है। ये कैरेक्टर कुछ बड़ा धमाका करेगा आगे शो में, डेफिनेटली हो सकता है। इसी के साथ फातिमा के अंदर जो बिल्डअप हो रहा है वो जीती जागती जॉम्बी बनते जा रही है। एंड रैंडल बाबा, ये फाड़ने वाला है सभी की, क्योंकि उसे क्रिएचर ने मारा नहीं है, एट लास्ट वो देखने में लग रहा है कि उसे कन्वर्ट कर दिया गया है जस्ट लाइक जॉम्बी, क्योंकि अभी तक जो क्रिएचर वो टैलिस्मान पत्थर यानी वो जादुई पत्थर की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे हैं, शायद वो काम अब रैंडल करेगा अंदर घुस के मारने का। इट मीन्स ये कि क्रिएचर अब इवॉल्व हो रहे हैं, और उनका पहला हथियार रैंडल होगा, उसके बाद फातिमा जो पहले ही जॉम्बी एक्ट कर रही है, देन हेनरी जो हेल्यूसिनेशन का शिकार हो रहा है और बार बार वो मुर्दा क्रिएचर को देख रहा है। देखते बाबा एपिसोड 5 हमारे लिए क्या क्या लेकर बैठा है, क्योंकि नाइट अभी खत्म नहीं हुई है, और रैंडल कुछ तो धमाका करने वाला है, जो वो बिग हाउस के बाहर ही जिंदा हुआ है। दूसरा टैबिथा जो दोबारा टाउन में आ चुकी है, ये हेल्पफुल साबित होगी या नहीं, क्योंकि उसने विक्टर की माँ मिरांडा के बहुत से क्लू अपने साथ में लेकर आई है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई है, जिसने जिम को अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया भी है। तो नया थ्रेट आ रहा है, तो उसके साथ सॉल्यूशन भी है, और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कॉम्बो मेकर ने सॉलिड दिया है भाई। राइटिंग बहुत सॉलिड है इस स्टोरी की, बहुत बहुत सॉलिड। एंड देन उसके बाद जो मिस्ट्री इसके साथ दिखाई जा रही है वो अनवील, उसे अनवील करना बहुत ही टफ है। तो देखते हैं बाबा एपिसोड 5 में हमें और क्या मिल सकता है। आपने भी एपिसोड देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये किस हद तक आपको हिला के रख रही है, क्या जितना डर मुझे लगा तुम्हें भी लगा या नहीं, बाबा नीचे जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन यानी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से भी बातें होती रहती हैं, नए हो तो चैनल विजिट करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।